हरि हरि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षौ विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो कस्तूरी तिलकं लाटमंडली वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणुकले कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचोड़ा मुनि जम्प्रवजन्दमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोहिनीदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरु मुनीनां जतोन्मयादितरतः चार्थे सभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति जत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यो वरुध्यते तकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरुः रसिका भुवि भावुका अप्यायनि महामाये महायोगनिधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः कुमारिकाः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः परमहंसास्वादितचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय जय जय राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सस्सो मनसो महोत्सव तदेव शोका नवसो सन्मुना जदुत्तम श्लोक गुणा जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सब सुता वैष्णवे करी नमस्कार मस्तके अमार हरिशरणम। तृतीय स्कंद 12वां अध्याय सृष्टि का विस्तार। मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितः क्षप्तः कालाख्य परमात्मनः महिमा वेद गर्भोथ यथा साक्षीर निबोधमी। 12वें अध्याय में कुमार आदि की मानसिक सृष्टि की समृद्धि होने के कारण दो शरीरों के संबंध से योनिज मानव सृष्टि का वर्णन किया गया है। ससर्जाग्रेन्धता मिश्र मथता मिश्रमाधिकृत महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानमृत्यय। सर्वप्रथमे ब्रह्मा जी ने अविद्या अज्ञान की पांच वृत्तियों की सृष्टि की। स्वरूप का प्रकाश न होना ही तम कहलाता है। देह आदि में होने वाली आत्मत्व की बुद्धि को ही मोह कहते हैं। भोगों की इच्छा को महामोह कहते हैं। भोग की प्राप्ति में किसी के द्वारा बाधा डाले जाने पर जो क्रोध उत्पन्न होता है उसको तामिश्र कहते हैं। भोग का नाश हो जाने पर यह सोचना कि अरे मैं ही तो नष्ट हो गया इसको अंधतामिश्र कहते हैं। तदे भोक्तं इत्यादि इस बात को श्री विष्णु पुराण में कहा गया है। विवेक के अभाव को ही तमस कहते हैं। अंतकरण में होने वाली भ्रम को मोह कहते हैं। ग्राम्य सुखों तथा ग्राम्य भोगों को प्राप्त करने की इच्छा को महामोह कहते हैं। भोग के साधन के नष्ट हो जाने पर यह सोचना कि मैं ही मर गया इस तरह की बुद्धि को अंधतामिश्र कहते हैं। भोग की प्राप्ति में बाधा उपस्थित होने पर होने वाले क्रोध को तामिश्र कहते हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी ने पांच पर्वों वाली अविद्या की सृष्टि की। जो पांच अविद्या सृष्टि करे ब्रह्मा हाँ। लक्षण बतेले हाँ कहले कि नहीं हाँ। जोड़ा कि हमें पूर्ण मात्र हो कण रंत हो अनुभव कर था कर पूरा अबे अब कौन रस मिलता है कुहला माने अज्ञान वशतः देह रे आत्मबुद्धि आसिला आत्मबुद्धि भोग करिया को इच्छा ला सेठू भोग इच्छा को महामोह कहते हैं। महामोह तापर भोग के प्राप्ति में किसी के द्वारा बाधा हो जाने से क्रोध उत्पन्न होता है अनुभव रखना नहीं हाँ बोलो अरे उसको तामिश्र कहते हैं। हाँ भोग का नाश हो जाने पर यह सोचना कि अरे मैं ही नष्ट हो गया तो उसको अंध तामिश्र कहते हैं। हाँ प्रथम वाला तमस विवेक नौरा बैठे को तमस कहा गया। तापर अंतकरण तमस द्वारा तम द्वारा अंतकरण भीतर जो भ्रम है माने आत्मारे देहरे आत्मबुद्धि से कौन कहले भ्रम मोह कहते मोह कहला तमसरु मोह आसला। ग्राम्य सुख तथा ग्राम्य भोग को प्राप्त करने की इच्छा से जात है शरीर भोग करने की इच्छा है महामोह कहला महामोह ये मोह हेले से महामोह। भोग के साधन नष्ट हो जाने पर सोचना कि मैं मर ही गया आउ मिलला नहीं माने मरीगला सहित समान है गल्ला तो सब गल्ला तो यहाँ जदि आसा अंधता मिश्र कौन मोह महामोह अंधता मिश्र हाँ क्रोध आ प्रथम कौन तमस रु आरंभ होता बुझी पार नहीं बुझुते कि स्वभाव पड़ जाइए नरक आई बाबा नरक बर्णा जो हाँ सब तो अच्छा गोटे गोटे नरक यह सब नरक तो
तम मोह मोहा मोह तमिश्र अंधतामिश्र पांचटा हो नरक ना आम नाम शुनी विशद भाव क्षुद्र स्वामी व्याख्या कर तम गुण रु आम भितर मोह जात हो मोह रु महामोह हूँ भोग करवाइा महामोह हूँ आठ क्रोध हूँ तामिश्र अंधतामिश्र एटा को अन्य भाषा बाबा पतंजलि अन्य भाषा कहते अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इति पंच क्लेश कहते क्लेश जाक नहीं सेटा जो कहना पतंजलि पंच क्लेश बोली नरक यंत्र बुझी पारे ना नरक बुझा नरक जो गोटे गोटे से ना कहते पंचम स्कंद लास्ट गोटे अध्याय अच्छे ষষ্ঠ স্কন্দর পক্ষান আসবে এই নরক বর্ণনা কলা বেড়ে এই নরক বর্ণনা সব আসে তার না গুড়াক এই না গুড়া সব আসে যে এই না গুড়া যে আমি ভোগ করতে এটি সেটা জানা নথিলা মতো আমি মল্লা পরে পরে যাতে পাপি মানে মল্লা পরে অমৃতামিষ অমৃতামিষ এটি যাই পড়ে বলে কম যে আমি জীবন থাউ থাউ ভোগ দিয়ে এটি যে সেই হিসাব না শ্রীধর স্বামী ভাষ্য দিয়ে কৌ আচ্ছা শ্রী বিষ্ণু স্বামী নে কহা হ্যাঁ কি অজ্ঞান কে বিপর্যাস ভয় তথা শোক ইয়ে অজ্ঞান কে ভেদ হ্যাঁ মানে অজ্ঞান রু ভয় আও শোক এই দুইটা আসছে স্বরূপ জ্ঞান জন্য বিপর্যাস ভ্রম স্বরূপ জ্ঞান নথিবার যে ভ্রম হচ্ছে उसका उसको अज्ञान कहते हैं ये तो छठ दिन वर्तमान नेक्स्ट दृष्ट्वा पापी असिंग सृष्टि नात्मानं बहुवमन्यत भगवत ध्यान पूते न मनसा न्यां ततो सृजत इस पापमय सृष्टि को देख कर उनको प्रसन्नता नहीं हुई हाँ उसके पश्चात श्री भगवान के ध्यान से पवित्र बने हुए मन से उन्होंने दूसरी सृष्टि की ब्रह्मा जी प्रथम ये सब सृष्टि करते बोले भल लगुनि आउथरा गोटे सृष्टि पांच मृत्यु वाली अविद्या की सृष्टि पापमयी थी उसको देखकर ब्रह्मा जी को प्रसन्नता नहीं हुई उसके पश्चात उन्होंने श्री भगवान का ध्यान किया और दूसरी सृष्टि की शनकं च सनन्दं च सनातनमथात्मभुः सनत्कुमारं च मुनिर्निष्क्रियानो ऊर्ध्वरेतसः उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने शनक सनंदन सनातन और सनत कुमार इन निवृत्ति परायण ऊर्ध्वरेता मुनियों की सृष्टि की ऊर्ध्वरेता यद्यपि प्रत्येक कल्प में ऊर्ध्वरेता जहां रेत ऊर्ध आम सब नीच तौ आड़ निम्नगामी रेत सब ऊर्धगामी ऊर्धगामी सदा भगवत उन्मुख भगवत निवृत्ति मार्ग ऊर्धगामी आम चित्तवृत्ति हूँ प्रवृत्ति मार्ग निम्नगामी तेणुकर तुम ऊर्धगामी कह निवृत्ति मार्ग गुड़ा मान यद्यपि प्रत्येक कल्प में शनक आदि की सृष्टि नहीं होती है फिर भी ब्रह्म सृष्टि का वर्णन होने के कारण उन लोगों की सृष्टि यहाँ बतलाई गई है वास्तविकता यह है कि प्रत्येक कल्प में मुख्य सृष्टि होती है इन शनकादियों की ब्रह्म कल्प में सृष्टि होती है वे ही अन्य कल्प में बने रहते हैं स्वभुपुत्रान् प्रजाः सृजत पुत्रकाः तन्नैच्छन् मोक्ष धर्मानु वासुदेव परायणाः ब्रह्मा जी ने अपने उन पुत्रों से कहा कि पुत्रों
प्रजाओं की सृष्टि करो, किंतु मोक्ष मार्ग परायण तथा भगवान वासुदेव का भक्त होने के कारण उन लोगों ने सृष्टि करना ही नहीं चाहा। ये समान कर लेगी सृष्टि कर जाना। इस श्लोक में ब्रह्मा जी को आत्मभू इसीलिए कहा गया है कि वे श्री भगवान से उत्पन्न हुए हैं। सोवध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः क्रोधं दुर्विसहं जातं नियन्तु मुपचक्रमे। आज्ञा का उल्लंघन करने वाले अपने पुत्रों से इस प्रकार से अपमानित ब्रह्मा जी को असह्य क्रोध उत्पन्न हुआ। রাগী গেলে পোজা কথা মান না দিও পোজা কথা মান না দিও কথা না মানলে কথা হবে। ব্রহ্মাজি নে উস ক্রোধ কো রোকনে কো প্রয়াস ভি কিয়া। আচ্ছা, ধিয়া নিগৃহমাণোপি ভ্রুবোর মধ্যাত প্রজাপতে সত্যো জায়ত তন্মন্যুহ কুমারো নীলোহিত। বুদ্ধি কে দ্বারা রোকে জানে পর ভি ও ক্রোধ शीघ्र ही ब्रह्मा जी की बहुओं के बीच से नील लोहित नील और लाल रंग के बालक के रूप में उत्पन्न हो गया। सृष्टि की प्रयोग सृष्टि रचना कर सृष्टि करो बोली कहले भाई संसार करो बोली कहले से क्रोध हो गले बहुओं के बीच से नील लोहित नील आउ लाल रंग मिश्रित है कि उठे बालक उत्पन्न है। क्रोधाग्नि ये मित्र इतनी महादेव आसुनी बस। पहले जो क्रोध उत्पन्न हुआ था वो क्रोध ही नील लोहित कुमार के रूप से उत्पन्न हो गया। सबई रुरोध देवानाम पूर्वजो भगवान भवः नामानि कुरुमे घातः स्थानानि च जगद्गुरु। देवताओं के पूर्वज भगवान शिव रोकर कहने लगे कि जगत रचयिता ब्रह्मा जी आप मेरा नाम और मेरे रहने का स्थान को बतलाइए। देवताओं के पूर्वज भगवान नील लोहित बालक भगवान शिव ही थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से रोककर पूछा कि मेरा नाम क्या है और मेरे रहने का स्थान कौन सा है। इति तस्य वचः पाद्मौ भगवान परिपालयन् अभ्यधात् भद्रया वाचा मारोदिस्तत् करोमिते। इस तरह की उस बालक की वाणी को सुनकर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने कल्याणमयी मधुवाणी से कहा, रो मत, मैं तुम्हारे नाम और स्थान को बतलाता हूँ। अच्छा, यद रोदी ही सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालक तत स्वाम अभिधास्यन्ति नामना रुद्र इति प्रजा। हे सुरश्रेष्ठ, चूंकि तुम जन्म लेते ही बालक के समान रोने लगे, इसीलिए तुमको सारी प्रजाएं रुद्र इस नाम से अभिहित करेगी। हाँ, अच्छा, विभिन्न मत अच्छा भागवत यही कौन भागवत प्रमाण बालक इव कहकर ब्रह्मा जी ने यह कहा कि तुम तो देवता में श्रेष्ठ हो, फिर भी तुम बालक के समान जन्म लेते ही रोने लगे। तुम्हारे रोने का कारण तुम्हारा नाम रुद्र होगा। हृदिन्द्रियान्यसूर व्योम वायुरग्निर जलंग मही सूर्य चंद्र तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि मे। हृदय इंद्रिया प्राण आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सूर्य चंद्रमा और तपस्या, इन 11 स्थान को तुम्हारे रहने के लिए मैंने बना रखा है। हृदय इंद्रिया प्राण आकाश वायु
अग्नि जल पृथ्वी सूर्य चंद्रमा और तपस्या। मन्योर मनुर्महिषानो शिव मन्योर मनु महेशानो महान शिव ऋतुध्वज मन्योर मनुर महेशानो महेशान लिखाई मन्योर मनुर महेशानो महान शिव ऋतुध्वज उग्ररेता भव कालो वामदेवो धृतव्रत। मन्योर मनु महेशान महान शिव ऋतुध्वज उग्ररेता भव काल वामदेव और धृतव्रत ये तुम्हारे 11 नाम हैं। धीर वृत्ति रुसनो माच नियुच्छर पिरलत्मिकाम ईरावती सुधा दीक्षा रुद्रण्यो रुद्रते स्त्रियः। हे रुद्र धी वृत्ति उसना उमा निर्जूत सर्पी ईला अंबिका ईरावती सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्राणिया तुम्हारी पत्नियों होंगी। गृहाणेतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः एभिः सृज प्रजावन्नी प्रजावहि प्रदानां अपि जत्पतिः। अपनी इन पत्नियों के साथ उपर्युक्त नामों और स्थानों को स्वीकार करो और इन सबों के द्वारा बहुत सी प्रजाओं को उत्पन्न करो क्योंकि तुम प्रजापति हो। ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा कि इन अपनी पत्नियों के साथ उपर्युक्त नाम और स्थानों को स्वीकार करो और बहुत सी प्रजाओं की सृष्टि करो क्योंकि तुम प्रजापति हो। इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान नीललोहितः सत्वाकृति स्वभावेन ससर्जात् समाः प्रजाः। इस तरह लोक पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा आदेशित होकर भगवान नीललोहित ने अपने बल आकार तथा आकार के समान ही बल आकार और स्वभाव वाली प्रजाओं की सृष्टि की। रुद्राणां रुद्रस्रष्टानां समन्तात् ग्रसतां जगत् निशम्या संख्यशो यूथान प्रजापति रसंकत। रुद्र के द्वारा सृष्ट उन रुद्रों को जो असंख्य यूथ बनाकर संपूर्ण संसार का भक्षण कर रहे थे उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। रुद्रों के समूह को देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि ये सब तो संसार को संसार ही खा जाएंगे। अलम प्रजा भी सुष्टा भी रिद्रसु भी सुरोत्तम मया सह दहंति भीर ऋदिशस्य क्षूर भीरुल्वणी। ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा सुरोत्तम तुम्हारे द्वारा रची गई जो प्रजा है वो अपनी तीव्र दृष्टि से मेरे साथ ही संपूर्ण दिशाओं को जलाए जा रहे हैं अतएव इस प्रकार की सृष्टि बंद करो। तप आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभूत सुखाः बहम तपसैव यथा पूर्वम स्रष्टा विश्वमिदं भवान। तुम्हारा कल्याण हो तुम संपूर्ण जगत को सुख देने वाली तपस्या करो। तपस्या के द्वारा ही तुम पहले के समान इस विश्व की सृष्टि कर सकोगे। ललिताय गौरसीतानाथ की जय राधा मदन गोपाल की जय। तपस्यैव परम ज्योतिर् भगवा भगवंत मधुक्षजं सर्वभूत गुहावास मंदसा विन्दते पुमान। पुरुष तपस्या के ही द्वारा परम प्रकाश स्वरूप सभी जीवों के हृदय में अंतर्जामी रूप से निवास करने वाले इंद्रियातीत श्री भगवान को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। मैत्रेय उवाच एवमात्महुवादिष्ट परिक्रम्य गिरां पतिं बाढ़मित्यमुपामंत्र्य विवेश तपसे वनम। ब्रह्मा जी का इस प्रकार का आदेश प्राप्त करके रुद्र ने कहा बहुत अच्छा। उसके पश्चात उन्होंने ब्रह्मा जी की परिक्रमा की और तपस्या करने के लिए वो वन में चले गए। अथा विद्यायतः सर्गम दशपुत्राः प्रजज्ञिरे
भगवत शक्ति युक्तस्य लोक संतान हेतव। उसके पश्चात संसार की सृष्टि के लिए श्री भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संकल्प किया तो उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। मरीचिरत्रंगिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारद। ब्रह्मा जी के उन पुत्रों के नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और दसवें नारद जी। श्री भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प के द्वारा जिन 10 पुत्रों को उत्पन्न किया उन सबों का नाम इस श्लोक में क्रमशः गिनाया गया है। ना ना मनोरुजाते चिंतना उत्संगार नारदो जज्ञे दक्षोंगुष्ठा स्वयं स्वयं भुव प्राणाद वशिष्ठ संजातो भृगुस्वचि कराक्रतु पुलहो नाभितो जज्ञे पुलस्त्यः कर्णयोर ऋषि अंगिरा मुखतो क्ण्योन त्रीर मरिचीर मनसो भवत। ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी उत्पन्न हुई, दक्ष ब्रह्मा जी के अंगूठे से पैदा हुई, वशिष्ठ महर्षि उनके प्राण से पैदा हुई, महर्षि भृगु ब्रह्मा जी की त्वचा से उत्पन्न हुई, क्रतु महर्षि ब्रह्मा जी के हाथ से पैदा हुई, पुलस्त्य महर्षि ब्रह्मा जी के कानों से पैदा हुई, अंगिरा महर्षि ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुई, अत्रि महर्षि उनके नेत्रों से पैदा हुए और मरीचि महर्षि ब्रह्मा जी के मन से पैदा हुए। धर्म स्तनात् दृक्षिणतो यत्र नारायण स्वयं अधर्म पृष्ठतो जस्मान मृत्युलोक भयंकर। ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से धर्म उत्पन्न हुए, जिनके पुत्र साक्षात भगवान नारायण हुए, और ब्रह्मा जी के पृष्ठ से अधर्म उत्पन्न हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। हृदय कामो भ्रुवः क्रोधो लोभश्चाधर दच्छदात आस्याद बाक सिंधवो मेढ्रा निरुति ही पायो रघाश्रय। ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भवों से क्रोध, अधरोष्ठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र और गुदा से पाप के निवास स्थान निरुति पैदा हुए। राक्षस के स्वामी निरुति हुआ होगा। छाया कर्दमो जज्ञे देवहुत्या पति प्रभु मनसो देहस्तेदम जज्ञे विश्वकृतो जगत। ब्रह्मा जी के छाया से देवहूति के पति महर्षि कर्दम उत्पन्न हुई, इस तरह ब्रह्मा जी के मन और शरीर से यह सारा जगत उत्पन्न हुआ। वाचं दुहितरंग तन्वीं स्वयं भूर हरतिं मनहं अकामां चकमिख्यत्तः शकाम इति न श्रुतम्। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी एक बार अपनी निष्काम मनोहर तथा सुकुमारी पुत्री वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को देखकर कामार्त हो गए और उसको प्राप्त करना चाहे। तम धर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः मरीचि मुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। ब्रह्मा जी के अधर्ममय बुद्धि को देखकर मरीचि इत्यादि महर्षियों ने अपने उस पिता को विश्वासपूर्वक समझाया। नैतत् पूर्वैः कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे यत्त्वं दुहितरं गच्छे रणे गृह्यां गजं प्रभु। आप समर्थ होकर भी इस मन से उत्पन्न होने वाले काम को अपने बस में न करके पुत्री गमन का जो संकल्प करते हैं, यह आपसे पहले जो ब्रह्मा थे वे ऐसा नहीं किए और न तो आपके बाद होने वाले भी ब्रह्मा ऐसा काम करेंगे।
मन में उत्पन्न होने वाले काम को जीत कर अपने बस में न करके आप जो पुत्री गमन रूपी कार्य कर रहे हो, ऐसा कार्य आपसे पहले जी ब्रह्मा थे और उन लोगों ने नहीं किया, और न तो आपके बाद जो ब्रह्मा जी होंगे वो ऐसा कार्य करेंगे नहीं। तेजी असामपि हेतन्न सुश्लोक्यं जगत गुरु जदुत्तमानुतिष्ठ जदुत्तमानुतिठन्वई लोकः क्षेमाय कल्पते। हे जगत गुरु, तेजस्वी पुरुष को पुरुषों का भी ऐसा कर्म करना सराहनीय नहीं होता है, क्योंकि आप जैसे तेजस्वी पुरुषों के ही आचरण का अनुसरण करने से जगत का कल्याण होता है। तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिसा आत्मस्थं व्यंजयामास सधर्मं पातु मर्हति। उन श्री भगवान को नमस्कार है जिन्होंने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाशित किया, वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। स इत्थं गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतिन् प्रजापति पतिस्तन्वं तत्याज व्रीडितस्तदां तां दिशो जगृहुर्घोरां निहारं जद्विदुस्तमहं। अपने पुत्र मरीचि आदि महर्षियों को अपने सामने इस प्रकार की बातों को कहते हुए देखकर प्रजापतियों के भी पति ब्रह्मा जी लज्जित हो गए और अपने उस शरीर का उन्होंने त्याग कर दिया। उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कोहरा हो गया, उसे ही अंधकार कहते हैं ना। कोहरा हो गया, इतनी अंधार वाली दिशा हासिला कोहरा बड़ा अंधार अंधार कोहरा अंधार है गला। कदाचित ध्यायत सस्तुर वेदा आसन चतुर्मुखात कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान समवेतान यथा पुरा। एक बार जब ब्रह्मा जी इस बात का विचार कर रहे थे कि मैं किस प्रकार पूर्व कल्प के ही समान सुव्यवस्थित रूप से लोगों की सृष्टि करूं, तो उनके चारों मुख से चार वेद प्रकट हो गए। चातुर्होत्रम कर्मतंत्र मुपवेद नैषः धर्मस्य पादा चत्वार तथैवाश्रम वृत्तयः। साथ ही उपवेद तथा न्याय शास्त्र के साथ होता उद्गाता अधर्यु और ब्रह्मा, इन चारों ऋत्विजों के कर्म यज्ञों को विस्तार, धर्म के चार चरण और चारों आश्रम एवं उनकी वृत्तियां, ये सब ब्रह्मा जी के मुख से ही प्रकट हो गए। विदुर उवाच सवै विश्व सृजामीशो वेदान वेदादीन मुखतो सृजत जदद्येना सृज देव स्तन्मे ब्रूहि तपोधनम। हे तपोधन, वे प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने अपने जिस मुख से जिन वेदादि की सृष्टि की उसे आप मुझे समझाइए। आउतरे एसिले पर कहले आउतरे आउट नहीं असिल ना। मैत्रे उवाच रुक जजुः सामाथर्वाख्यान वेदान पूर्वाधिविर्मुखैः शस्त्रविज्ञां स्तुति स्तोमं प्रायश्चित्तं यदाक्रमाद। ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर मुख से क्रमशः ऋग्वेद चजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद की रचना की, और इसी क्रम से उन्होंने शस्त्र शस्त्र माने होता के कर्म, ईज्या माने अधर्जु के कर्म, और स्तुतिस्तोम माने उद्गाता के कर्म, और प्रायश्चित माने ब्रह्मा के कर्म की भी रचना की इस यज्ञ ने। इस श्लोक में चातुर्होत्र सृष्टि क्रम का वर्णन मैत्रेय महर्षि ने किया है। शस्त्र अर्थात अप्रगीत मंत्र स्तोत्र होता के कर्म है। स्वर तथा अनुपूर्वी रहित मंत्रों के द्वारा जो स्तुति की जाती है उसे अप्रगीत मंत्र स्तोत्र कहते हैं। ईज्या अर्थात देवता के लिए किए जाने वाले द्रव्य के त्याग रूप
अधर्जु के कर्म को इज्जा कहते हैं, स्तुति स्तोम स्तुति संगीत को कहते हैं, और संगीतोपयोगी रुचाओं के समूह को स्तोम कहते हैं। त्रिभुत सोमो भवती इत्यादि श्रुतियां उसको विधान करती हैं। यह उद्गाता नामक ऋत्विज का कर्म है। ब्राह्म कर्म को प्रायश्चित कहते हैं। इन सबों की सृष्टि ब्रह्मा जी के पूर्वादि मुखों से हुई है। आयुर्वेदं धनुर्वेदं गांधर्वं वेदमात्मनः स्थापत्यं चास्रुदत वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः। ब्रह्मा जी ने अपने पूर्वादि मुखों से क्रमशः आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्व वेद और स्थापत्य वेद इन उपवेदों की सृष्टि की। इतिहास पुराणानि पंचमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्य एव वक्तृभ्य सश्रुते सर्वदर्शनः। सर्वज्ञ भगवान ब्रह्मा जी ने अपने सभी मुखों से इतिहास एवं पुराण नामक पांचवें वेद की रचना की। षोडशोक्तौ पूर्ववक्त्रात् पुरीष्यग्निर्स्तुतावथ आत्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं सघोषवम्। इसी तरह ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से षोडशी तथा उक्त, दक्षिण मुख से पुरीषी माने चयन, और अग्निस्तोम माने पश्चिम मुख से आत्तोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोषव ये दो जाग उत्तर मुख से उत्पन्न हुई। विद्या दानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च आश्रमां च तथा संख्य मसृजत सह वृत्तिभिः। ब्रह्मा जी ने अपने चार मुखों से क्रमशः विद्या दान तप और सत्य इन धर्म के चार चरणों की और वृत्तियों के साथ चार आश्रमों की भी रचना अपने पूर्वादि मुख से की। अच्छा, सावित्रम प्राजपत्यम च ब्राह्मं चाथ बृहत् तथा वार्ता संचयशालीन शीलोत्स इति वैगृही। वैखानसा बालखिल्यौ दुम्बराहा फेन पावने न्यासे कुटी चकः पूर्वं वन्नोदो हंस निष्क्रियौ। ब्रह्मचार्य के चार भेद हैं, सावित्र प्राजापत्य ब्राह्म तथा बृहत्। गृहस्थी की भी चार वृत्तियां हैं, वार्ता संचय शालीन और शीलोत्स। वानप्रस्थियों की भी चार वृत्तियां हैं, वैखानस बालखिल्य औदुम्बर और फेनप तथा संन्यासों की भी चार वृत्तियां हैं, कुटीचक बहुर्बोध हंस और निष्क्रिय। निष्क्रिय माने परमहंस। बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन दिया। ब्रह्मचारी आदि चार आश्रम के प्रत्येक आश्रमों के चार चार भेद इन दोनों श्लोक में बतलाए गए हैं। एक सावित्र ब्रह्मचर्य माने उपनयन के पश्चात गायत्री का अध्ययन करके करने के लिए धारण किया जाए किए जाने वाले तीन दिन का ब्रह्मचर्य व्रत। यज्ञ पर धारण पर तीन दिन जो गायत्री मंत्र जप कर रहे हाँ सावित्र ब्रह्मचर्य कहा जाए। तापर प्राजापत्य ब्रह्मचर्य एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना प्राजापत्य ब्रह्मचर्य। तापर ब्राह्म ब्रह्मचर्य वेदाध्ययन की समाप्ति काल पर्यंत धारण किए जाने वाले ब्रह्मचर्य व्रत। बृहत ब्रह्मचर्य आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का धारण, ये ब्रह्मचर्य के चार भेद हैं। तो गृहस्थ धर्म में भी चार वार्ता वृत्ति माने शास्त्र भीत कृषि आदि वृत्तियों की उपासना अपनाना, कृषि आदि कर्म करिवा ये होती वार्ता वृत्ति। देन संचय वृत्ति यज्ञादि करना, शालीन वृत्ति अयाचित वृत्ति बिना मांगे जो कुछ भी मिल जाए उसी से निर्वाह करना शालीन वृत्ति कहते। शीलोत्स वृत्ति खेत कट जान पर पृथ्वी पर पड़े हुए तथा अनाज की मंडी में गिरे हुए अन्न के दानों को बीन कर निवार करना निर्वाह करना। संचयशालीन शीलोत्स में एक वचनांत प्रयोग आर्स है। ये चारों गृहस्थ की वृत्तियां हैं। अथवा संचयशाली शीलोत्स में द्वंद समाज से सप्तमी व्यक्ति एक वचन, इस तरह से भिन्न भिन्न वृत्तियों को वाले गृहस्थ होते हैं।
देन वनस्थिता आवृत्ति इत्यादि। वनस्थिता कौन? वन में रहने वाले वानप्रस्थ को भी चार भेद हैं। वैखानस वृत्ति माने बिना ज्योति बोई भूमि से उत्पन्न पदार्थ से निर्वाह करना। किन मिलियो बाबा सिटी? बिना ज्योति बोई भूमि से उत्पन्न पदार्थ बालखिल्य वृत्ति नवीन अन्न मिलने लगने पर संचित प्राचीन अन्न का दान कर देना। देन औदम्बर वृत्ति प्रातःकाल उठने पर जिस दिशा की ओर मुख हो उसी दिशा से फलादि लाकर जीवन निर्वाह करना। देन फेन प्रवृत्ति अपने आप पककर गिरे हुए फल आदि खाकर जीवन निर्वाह करना। ये चार प्रकार वानप्रस्थ वृत्ति आसला। तापर सन्यास वृत्ति कुटी चक वृत्ति कुटी बनाकर एक जगह रहना और अपने आश्रम के धर्म का पूर्ण रूप से पालन करना। कुटिया बनेगी। देन बौद्ध वृत्ति कर्म को गौण मानकर ज्ञान को ही प्रधान मानना। तापर आसला हंस वृत्ति। हंस वृत्ति कौन? ज्ञान के ही अभ्यास में निरंतर लगे रहना। तापर निष्क्रिय परमहंस वृत्ति ज्ञानी जीवन मुक्त। ये सभी जो गृहस्थ आदि हैं इनमें उत्तरोत्तर वृत्ति वाले श्रेष्ठ माने गए हैं। आन्मीखिकी त्रयी वार्ता दंड नीति तथैव च एवं व्याहृत यस्चासन प्रणवो यस्य दर्हत। ब्रह्मा जी के पूर्वादि मुखों से ही अन्विक की त्रयी वार्ता दंड नीति ये चार विद्याएं और चार व्याहृतियां उत्पन्न हुई और ब्रह्मा जी के हार्दाकाश से प्रणव की उत्पत्ति हुई। तस्योष्टिगासिल्लोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभुः त्रिष्टु मांसासुतो नुष्टु जगत्यस्नः प्रजापते ही। प्रजापति ब्रह्मा जी के रोमों से उष्णिक छंद, त्वचा से गायत्री छंद, मांस से त्रिष्टुप छंद, स्नायु से अनुष्टुप छंद तथा अस्थियों से जगति छंद की उत्पत्ति हुई। हाँ मंजाया पंक्तिरुत्पन्ना बृहति प्राणतो भवत स्वर्श तस्या भवत जीव स्वरो देह उदाहृत। ब्रह्मा जी के मज्जा से पंक्ति छंद और प्राण से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। उनका जीव ही स्वर्श वर्ण हुआ और देह स्वर वर्ण कहलाया। उष्माणमिन्द्रियाण्याहु रंतस्ताः बलमात्मनः स्वराः सप्त विहारिण भवन्ति स्म प्रजापतेः। ब्रह्मा जी के इंद्रियों को ही उष्मा वर्ण माने स ष स ह इटा को उष्मा वर्ण कहा गया है। बल को अंतस्त य र ल और ब वर्ण कहा गया है। उनकी क्रीड़ा से सात स्वर निषाद ऋषभ गांधार षड्ज मध्यम धैवत और पंचम ये उत्पन्न हो। ये जो सप्त स्वर जो कहते हैं बाबा ये मैंने सब जानते हैं। सप्त ब्रह्मात्मन तस्य व्यक्ता व्यक्तात्मन परः ब्रह्माभाति विततो नाना शक्त्युपबृंहित। शब्द ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मा जी हैं। वे वैखरी रूप से व्यक्त हैं और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं। उनसे परे जो परिपूर्ण ब्रह्म हैं वे अनेक प्रकार की शक्तियां से विकसित होकर इंद्रादि रूप से प्रतीत होते हैं। ततो परामुपादाय स स्वर्गाय मनो दधे ऋषीणां भूरि वीर्याणां अपि सर्गम विस्तृतम्। ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जो गोरा बन चुका था उसको त्याग कर दूसरा शरीर धारण करके विश्व की सृष्टि की विचार किए क्योंकि अत्यधिक शक्ति संपन्न मरीचि आदि ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ था। ज्ञात्वा तद्हृदये भूय चिंतयामास कौरव अहो अद्भुतमे तन्मे
व्यापृतस्यापि नित्यदाम न हे धन्ते प्रदानूनम दैवमत्र विघातकम एवं युक्त कृतस्तस्य दैवं चाभिक्षत तदा। हे विदुर, उसको जानकर ब्रह्मा जी अपने हृदय में चिंतन करने लगे कि यद्यपि मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी प्रजाओं की वृद्धि नहीं हो रही है। लग रहा है कि इस कार्य में दैव ही बाधा कर रहा है। ब्रह्मा जी इस प्रकार से दैव के विषय में विचार कर रहे थे। दैव माने भगवान को चिंता कर तुले आओ। कस्य रूपम अभुद्वेधा जत्कायम अभिचक्षते ताभ्यांग रूप विभाग अभ्यांग मिथुनं समपद्यत। जिस समय ब्रह्मा जी इस प्रकार से विचार कर रहे थे, उसी समय उनका शरीर दो भाग में विभक्त हो गया। क ब्रह्मा जी का नाम है, उनके शरीर का दो भाग होने के कारण उसे काय कहते हैं। शरीर के उन दोनों विभागों से स्त्री पुरुष का जोड़ा हो गया। क ब्रह्मा जी का ही नाम है, उनका शरीर दो भाग में बंट गए। इस आश्चर्य के कारण ही शरीर को आज भी काय शब्द से अभिहित किया जाता है। यस्तु तत्र पुमान्योभुन मनुः स्वायम्भुवः स्वराट स्त्री आसि शतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः। उसमें जो पुरुष था वह सार्वभौम राजा स्वायम्भुव मनु हुए, और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तदा मिथुन धर्मेण प्रजा ये धाम बभूविरे सतापी शतरूपायाम पंचापत्यान्यजी जनत। उसी समय स्त्री पुरुष संभोग रूप मिथुन धर्म से प्रजाओं की वृद्धि हुई। महाराज मनु ने भी शतरूपा के गर्भ से 5 संतानों को उत्पन्न किया। प्रिय व्रतोत्तान पादो तिस्र कन्यस्त भारत आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमम। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, उन संतानों में 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति ऋतये प्रादात कर्दमाय तु मध्यमाम दक्षायादात प्रसूतिंच यत आपूरितं जगत। महाराज मनु ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, देवहूति का विवाह कर्दम महर्षि से किया, और प्रसूति का विवाह दक्ष से कर दिया। इन तीनों कन्याओं की संतानों ने सारा संसार भर दिया। 13वां अध्याय 12 अवतार की कथा। श्री शुकोवाच निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृप भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथाद्रुत। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन मैत्रेय महर्षि की पवित्रतम वाणी को सुनकर भगवान वासुदेव की कथा में आदर रखने वाले कुरुवंशी विदुर जी ने पुनः उनसे पूछा। विदुर उवाच सवै स्वयंभुव सम्राट प्रियः पुत्रः स्वयंभुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नी किं चकार ततो मुनिम। हे मुनि, उसके पश्चात ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र सम्राट स्वयंभुव मनु ने अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करके क्या किया। चरितं तस्य राजर्षे राजिराजस्य सत्तम ब्रूहि मे श्रद्धानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ। हे साधु शिरोमणि, आप उन आदिराज का चरित्र मुझे सुनाइए, वे भगवान विष्णु के शरणागत हैं, अतः मेरी उनमें श्रद्धा है। विश्वक्सेन भगवान विष्णु का नाम है, उनके शरणापन्न है आदिराज स्वयंभुव मनु, इसलिए मेरी उनमें श्रद्धा है, अतः आप मुझे उनका चरित्र सुनाइए। श्रुतस्य पुंसां सुशिर श्रमस्य नन्वन्दसा सूरिभिरीडितोऽर्थ यत्तद्गुणान् श्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदये सुजेषाम। जिन लोगों के हृदय में भगवान मुकुंद के चरणारविंद विद्यमान हैं,
उन भक्त जनों के गुणों का श्रवण करना ही मनुष्य को बहुत दिनों तक किए गए शास्त्राभ्यास का मुख्य फल है, यह विज्ञ पुरुषों का कहना है। वे आदिराज चूंकि भगवत भक्त हैं, अतएव उनके चरित्र का श्रवण करना चाहिए, इस बात को इस श्लोक में कहा गया है। मनुष्य द्वारा दीर्घ काल पर्यंत शास्त्र श्रवण जन्य श्रम का यही मुख्य फल है कि जिन भक्तों के हृदय में श्री भगवान के चरण कमल विराजमान है, उन भक्तों के गुणों का श्रवण किया जाए। श्री सुखोवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीष्ण चरणोपधानं प्रहृष्ट रोमा भगवत कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यतस्थ। सहस्र शीर्षा श्री हरि के भक्त तथा नम्र विदुर जी के द्वारा इस तरह से प्रेरित किए जाने पर जिनके शरीर में रोमांच हो गया हो आया था, वे मैत्र मुनि कहना प्रारंभ किए। भगवान श्री कृष्ण ही सहस्र शीर्षा है। भगवान श्री कृष्ण जिनकी गोद में अपने चरणों को फैलाते थे, ऐसे विदुर जी ने विनम्रता पूर्वक महर्षि मैत्रेय को प्रेरित किया। उनके द्वारा प्रेरित होकर मैत्रेय महर्षि के शरीर में रोमांच हो आया और उन्होंने कहना प्रारंभ किया। मैत्रेयोवाच यदा स्वभार्यया साकं यातः स्वायं भुवो मनुम् प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेद गर्भमभासत। जब स्वयंभुव मनु की अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ जन्म हुआ, उस समय उन्होंने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक ब्रह्मा जी से यह कहा। त्वमेक सर्वभूतानां जन्म क्रोद्रुवृत्तिदः पिताम् अथापि नः प्रदानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। यद्यपि आप ही केवल सभी जीवों को जन्म देने वाले और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं, हम आपकी संतान हैं, फिर भी हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे आपकी सेवा हो। तद विधेहि नमस्तुभ्यं कर्म स्विद्यात्म शक्तिषु यत् कृत्वेह जशो विश्व अमुन्न च भवेत् कतिः। हे पूज्यपाद, आपको नमस्कार है। हम लोगों द्वारा किए जाने योग्य कौन सा ऐसा कार्य है जिसके करने से संपूर्ण संसार में यश फैले और परलोक में सद्गति हो। ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्ति स्ताद्वाङ्खितीश्वर जन्निप्यलीकेन हृदा साधिमेत्यात्मनार्पितम्। पृथ्वीपते, आप दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा प्रदान करें इस तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया है। एतावत्या त्वजैर्वीर कार्याह्यपचितिर् गुरुर् सत्तया प्रमत्तेर् गृह्येत सादरं गतमत्सरैः। वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखे बिना अपने पिता की आज्ञा का अपनी शक्ति के अनुसार पालन करें। अपचिति पूजा को कहते हैं अपचिति। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्रों को अपने पिता की इतनी सेवा करनी चाहिए कि वे किसी द्वेष से ईर्ष्या किए बिना ही अपनी शक्ति के अनुसार पिता की आज्ञा का पालन करें। तुम लोगों की इस तरह इस प्रकार की ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि शनकादि तो आपकी सेवा नहीं करते हैं, हम लोग क्यों करें। स त्वमस्याम पहत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य सास धर्मेण गां यज्ञैः पुरुषं यज। तुम अपनी इस पत्नी से अपने ही समान गुणवान संतान को उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का प्रशासन करो और यज्ञों के द्वारा परम पुरुष परमात्मा की आराधना करो। इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने महाराज मनु को तीन आदेश दिया है। पहला क्या है,
अपनी इस सतरूपा से अपने ही समान गुणवान संतानों को उत्पन्न करो। दूसरा धर्म पूर्वक पृथ्वी का प्रशासन करो। तीसरा यज्ञों के द्वारा श्री हरि की आराधना करो। परम सुष्णम मह्यम स्याद प्रजा रक्षया नृप भगवान ते प्रजा भर्तृ ऋषिकेशो नु तुष्यति। हे राजन, प्रजाओं की रक्षा करने से मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी और तुमको प्रजाओं का पालन करते देखकर भगवान ऋषिकेश को भी प्रसन्नता होगी। ये शान तुष्टो भगवान यज्ञलिंगो जनार्दन तेषां श्रमो यपार्थाय यदात्मानादृत स्वयं। जिन लोगों पर यज्ञ पुरुष भगवान जनार्दन नहीं प्रसन्न होते हैं, उन लोगों का सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि ऐसे लोगों ने अपनी आत्मा का ही अनादर किया है। मनुर्वाच आदेशे हम भगवतो वर्तेयामी वसुदन स्थानं पिहानु जानी प्रजानां ममत प्रभो। हे पाप विनाशक, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए उद्यत हूँ, किंतु पहले आप मेरे तथा मेरी प्रजा के रहने का स्थान बतलाएं। यदोक सर्वसत्वानां महिमग्नामहं वसी अस्या उद्धरणे यत्नो देव देव्या विधीयतां। हे देव, जो पृथ्वी सभी जीवों का निवास स्थान है, वह पृथ्वी महानव के जल में डूबी हुई है। पहले आप इस भूदेवी के उद्धार का प्रयास कीजिए। यदि आप कहे कि तुम और तुम्हारी प्रजाएं पृथ्वी पर रहे, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी तो महानव के जल में डूबी हुई है। अतएव सर्वप्रथम आप भूदेवी को इस महानव के जल से निकालने का प्रयास किए। मैत्रेय उवाच परमेष्ठि त्वपां मध्ये तथा सन्नाम वीक्षगां कथमेनां समुन्नेष्य इति दद्यौ धिया चिरम। ब्रह्मा जी, जल के भीतर उस तरह से डूबी हुई पृथ्वी को देखकर बहुत देर तक इस बात का विचार करते रहे कि मैं इस पृथ्वी को ऊपर कैसे लाऊं। हाँ, सृजतो मे खितिर्बार्भिः लाभ्यमाना रसांगता अथात्र किमनुष्ठेय मस्माभिः सर्गयाजितैः यस्याहं हृदया दासं स ईशो विदधातुमिं। जिस समय में सृष्टि के कार्य में लगा था, उस समय पृथ्वी जल में डूबने जाने के कारण रसातल में चली गई। इस समय हम लोग सृष्टि के कार्य में नियुक्त हैं। अतएव इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरे इस कार्य को वे ही श्री भगवान करे जिनके संकल्प मात्र से मैं उत्पन्न हुआ था। इस श्लोक में ब्रह्मा जी की चिंता का ही वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि जब मैं सृष्टि के कार्य में लगा हुआ था, उसी समय पृथ्वी पानी में डूबकर रसातल में चली गई। इस समय मैं परमात्मा के द्वारा सृष्टि के कार्य में लगाया जा चुका हूँ, अतएव इसके लिए जो मेरे द्वारा किए जाना है, उस कार्य को श्री भगवान ही पूरा कर दे। इत्यभिध्यायतो नासा विवरात सहसा नघ बराहतो को निरगात अंगुष्ठ परिमाणक। हे निष्पाप विदुर जी, इस तरह से ब्रह्मा जी जब विचार कर रहे थे, उसी समय उनकी नाक के छिद्र से अंगुष्ठ परिमाण वाला एक छोटा सा बाराह निकला। तस्याभिपश्यत कस्तः क्षणी क्षणीन किल भारत गज मात्र प्रभ वृद्धि तदद्भुत अभूनमत। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के देखते ही देखते आकाश में स्थित वो बाराह क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया, और यह
बड़े ही आश्चर्य की बात हुई। मरीचिर प्रमुखैर विप्रैः कुमारैर मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा। मरीचि आदि ऋषियों शनकादिकों तथा मनु के साथ ही वराह के उस रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार से विचार किया। किमेतत् सौकर व्याजम सत्वं दिव्यम अवस्थितम अहो बताश्चर्यमिदं नासायामे विनिश्रुतम। हरे यह शुकर के रूप में यहाँ कौन सा दिव्य प्राणी प्रकट हो गया है, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि यह अभी अभी मेरी नाक से निकला है। दृष्टोंगुष्ठ शिरो मात्र क्षणात् गंडशिला समहम अपीस्थित भगवानिश जग्यो में खेदयन मनहम। इसको तो हम लोग अभी अभी अंगूठे के ऊपरी भाग के समान परिमाण वाले के रूप में देखे थे और क्षण भर में यह बढ़कर विशाल शिला के समान आकार वाला हो गया है। कहीं ये यज्ञ पुरुष भगवान ही हम लोगों के मन को इस तरह से मोहित तो नहीं कर रहे हैं। इति मीमांसस्तस्य ब्रह्मणः सहसूनुभिः भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जाग्रेन्द्र सन्निभ। जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ इस प्रकार से विचार ही कर रहे थे कि पर्वतराज के समान आकार वाले भगवान यज्ञ पुरुष गर्जना किए। ब्रह्मानं हर्षयामास हरिस्तांस दिजोत्तमान स्वगर्जितेन ककुभ प्रतिश्वनयता विभुः। दिशाओं को प्रतिध्वनित करने वाली गर्जना के द्वारा व्यापक श्री हरि ने ब्रह्मा जी तथा उन सभी विप्रों को प्रहर्षित कर दिया। निशम्यते घरघरितं स्वखे दक्षिष्णु मायामय शूकरस्य जनस्तप सत्य निवासिनस्ते त्रिभी पवित्रैर मुनयो गृणन् स्मम। मायामय वराह भगवान की अपने खेद को दूर करने वाली घुरघराहट को सुनकर जनलोक तपलोक तथा सत्यलोक निवासी मुनियों ने ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद के पवित्र मंत्रों से श्री भगवान की स्तुति की। तेषां सतां वेद वितान मूर्तिर् ब्रह्मावधार्यात्म गुणानुवादम विनद्य भूयो विबुधोदयाय गजेन्द्र लीलो जलमाविवेश। उन मुनीश्वरों द्वारा की जाने वाली स्तुति को अपना गुणानुवाद रूप वेद मानकर वेदों में वर्णित देवताओं का कल्याण करने के लिए श्री भगवान एक बार फिर गरज कर गजेंद्र के समान लीला करते हुए जल के भीतर प्रवेश कर गए। उत्क्षिप्त बाढ़ खतर कठोर शटा विधुन्वन खररो मसत्वक खुरा हता ब्रह चित दंश ईख्या ज्योतिर्बभासे भगवान महेन्द्र। सूकर रूपधारी भगवान अपनी पूंछ उठाकर आकाश में उछले। उनका शरीर कठोर था, वे अपने कंधे के आयलों को फड़फड़ा रहे थे, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे तथा जो अपने खुरों से मेघों को तितर बितर कर रहे थे। उनके दांत सफेद थे तथा उनकी आंखें चमक रही थी। इस तरह से पृथ्वी का उद्धार करने वाले भगवान सुशोभित हुए। किस प्रकार का अपना रूप बनाकर भगवान जल में प्रवेश किए, इस प्रकार की आकांक्षा होने पर उसका वर्णन महर्षि मैत्रेय ने दो श्लोक में किया है। सर्वप्रथम वे अपनी पूंछ उठाकर आकाश में उछले, अपनी गर्दन के बालों को फड़फड़ाकर अपने खुरों के आघात से बादलों को तितर बितर करने लगे। उनका शरीर कठोर था, उनकी त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, उनके दांत श्वेत थे और आंखों से तेज निकल रहा था, वही प्रकाश का काम कर रहा था क्योंकि उस समय दूसरा कोई भी प्रकाश था ही नहीं।
इस तरह से बड़ा भगवान सुशोभित हो गए। घ्राणेन पृथ्व्याः पदवीं विजिघ्रन् क्रोड़ापदेशः स्वयं द्वरांगः कराळदंष्टोऽप्यकराळदृग्भ्याम् उद्वीक्ष्य विप्रान् गृणतो विषक्तकम्। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष होने पर भी शूकर का रूप बनाए रहने के कारण वे अपनी नाक से सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें कठोर थी, अतः देखने में भयंकर लगते थे। फिर भी वे अपनी सौम्य दृष्टि से स्तुति करने वाले मुनियों को देखकर जल में प्रवेश किए। सो सवज्र कूटांग निपात वेग विशीर्ण कुक्षी स्तनयन्नुदन्वान् उत्सृष्ट दीर्घोर्मि भुजे निवार्त शुक्रोश जज्ञेश्वर पाहि मे तीम। वज्र समूह के समान कठोर अंग वाले श्री भगवान के गिरने के वेग के कारण समुद्र का पेट मानो फट गया। गरजता हुआ वो अपनी ऊंची ऊंची तरंग रूपी भुजाओं को उठाकर चिल्ला पड़ा, हे जज्ञेश्वर आप मेरी रक्षा करें। हाँ, खुरे ही क्षूर प्रैर दरयं तदाप उत्पार पारं त्रिपुरु रसायाम ददर्श गांग तत्र सुसुप सुसुप सुरग्रे यांग जीव धानिं स्वयं अभ्यदत्त। उस समय बाण के समान तीक्ष्ण खुरों से जल को चीरते हुए यज्ञमूर्ति श्री भगवान उस अपार जल राशि के उस पार पहुंच गए और रसातल में विद्यमान जीवों के आश्रयभूत पृथ्वी को देखे, जिसको कल्प के अंत में शयन करने के इच्छुक श्री भगवान अपने भीतर लीन कर लिए थे। उस समय यज्ञमूर्ति श्री भगवान जिनके अग्रभाग विस्तृत हो ऐसे क्षूर प्रवाणों के समान खुरों के द्वारा उस अपार जल राशि को चीरते हुए उसके पार पहुंच गए और वहां उन्होंने रसातल में विद्यमान पृथ्वी को देखा। प्रलय काल की वेला में सोने के लिए उद्यत श्री भगवान सभी जीवों के आश्रयभूत पृथ्वी को उद्रस्त कर लिए थे। भगवान को त्रिपुरु कहा गया है, उसका विग्रह है त्रीणी पुरुंसी अश्विन अर्थात जिसमें तीन पुरु तीन परु अर्थात शवन होते हैं उसको त्रिपुरु कहेंगे। यज्ञ में तीन शवन होते हैं, श्री भगवान यज्ञ पुरुष है अतएव उनको त्रिपुरु कहा गया है। उत्पार पारम का विग्रह है, उत्पाराणां पार शून्यानां पारम उत्पार पारम अर्थात अपार। इस श्लोक में यह बतलाया गया है कि पृथ्वी का उद्धार करने में श्री भगवान को कोई प्रयास नहीं करना है, क्योंकि उस पृथ्वी को भगवान प्रलय काल में जठरस्त कर लिए थे। स्वदंष्ट्रयो धृत्य महिंग्निमग्नाम सौत्थितः संरुरुचे रसायाः तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनावसंदीपित तीव्रमन्युः जघानरुन्धान मसह्य विक्रमं सलील एवं मृगराडिबाम्भसी तद्रक्तपंकांकित गंडतुंडो यथा गजेन्द्रो जगतिं विभिन्दन्। जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर वे रसातल से ऊपर आए। उस समय भी अपनी गदा लेकर पीछा करने वाले तथा असह्य पराक्रमी हिरण्याक्ष जो प्रहार कर रहा था उसके कारण उनका क्रोध चक्र के समान तीव्र हो गया और उसको वे जल में ही लीलापूर्वक वैसे ही मार डाले जैसे कोई सिंह किसी हाथी को लीलापूर्वक मार डालता है। उस समय उसके रक्त से सने हुए उनकी कनपटी और थुथुन उसी तरह से सुशोभित हो रहे थे कि जैसे कोई हाथी लाल मिट्टी वाली भूमि को खोद कर आया हो। श्री भगवान ने जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने दांतों पर उठा लिया और उसको लेकर वे रसातल से ऊपर निकले। उस समय पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाए रखने के कारण श्री भगवान की अत्यधिक शोभा हो रही थी।
वहां भी हिरण्यक्ष अपनी गदा लेकर उनका पीछा किया, उसका पराक्रम असह्य था और वह श्री भगवान पर गदा से प्रहार कर रहा था। उसके कारण श्री भगवान का क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया। सुनाब संदीप इत तीव्र मन्यु, यह भी अर्थ हो सकता है कि चक्र श्री भगवान के क्रोध को यह कहकर अत्यधिक बढ़ा दिया कि मेरे रहते हुए आप इतना परिभव क्यों सह रहे हैं। भगवान बड़ी आसानी से उसको उसी तरह मार डाले जैसे कोई सिंह हाथी को मार डालता है। हिरण्याक्ष के खून से भरा भगवान की कनपट्टी और थुतुन उसी तरह लाल हो गया था जिस तरह कोई हाथी गैरिक मिट्टी को लीला पूर्वक खोद कर आया हो। सब उपमा दो दिया। तमाल नीलम चित दंत कोट्या मुत्पंत गजलीलयांग प्रज्ञा बद्धांजलो नुवाकिरिंची मुख्या उपतस्थुरीशम। तमाल पत्र के समान श्याम वर्ण वाले जिस तरह कोई हाथी अपने दांतों पर तमाल पुष्प को धारण किए हो उस तरह से अपने श्वेत दांतों पर पृथ्वी को धारण किए हुए जल से बाहर निकले वराह भगवान को जानकर ब्रह्मा आदि जितने भी ऋषिगण थे वे हाथ जोड़कर वैदिक अनुवाकों के समान वाक्यों के द्वारा श्री भगवान की स्तुति करने लगे। बोल वराह भगवान की जय। ऋषय ना हिरण्यक्ष सेवित तले जल भितरे से आसीबो आगो उपाख्यान आसीबो ना लीला एबे आछन संक्षिप्त रे कुआ गले। हां सतना दिया है क्या। हां ऋषय उचुहुं जितम जितम ते जित यज्ञ भावनम त्रयिं तनुं स्वांग परिधुन्वते नमहं यद्रो मगर्तेषु नीलीलुरध्व रास्तस्मै नमः कारण सुकरायते। हे यज्ञपति अजित भगवान आपकी जय हो जय हो। अपने त्रयी रूपी शरीर को फड़फड़ाने वाले आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में सभी यज्ञ लीन हो गए। ऐसे संपूर्ण जगत के कारण स्वरूप सुकर रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। रूपं तवैतन्ननु दृश्यतात्मनाम दूरदर्शनम देव जदत भरात्मकम छंदांश यश प्रति बैरोम स्वाज्यं दृशित्वं ह्रसुचातुर्होत्रम। हे देव आपका यह जो यज्ञात्मक रूप है इसका दर्शन प्राणियों को होना कठिन है। आपके त्वचा में छंदों का रोमो पंक्तियों में कुश नेत्रों में घृत तथा चरणों में होता अदर्यु उद्गाता और ब्रह्मा इन चारों ऋत्विजों के कर्म विद्यमान है। श्रुक तुंड आसित सुब ईशनास योरीडुरो योरीडुदरे चमसा कर्ण रंध्रिम प्रासिन नमाशे ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चवर्णम ते भगवन् नग्निहोत्रम। हे परमात्मन आपके तुंड में श्रुक हैं, नाकों में सुबा हैं, उदर में ईड़ा भक्षण पात्र कानों में छिद्र में चमस हैं, मुखों में प्रासित्र अर्थात ब्रह्मभाग पात्र हैं, कंठ के छिद्र में ग्रह शोपात्र हैं। हे भगवान आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र हैं। दीक्षानुजन्मो पसत शिरोधरम त्वं प्रायणीयो दयनीय दंश जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रतुः सभ्यावसस्थ्यं चितयो सबोहिते। हे यज्ञ स्वरूप भगवान बार बार आपका अवतार ग्रहण करना ही आपकी दीक्षिणीय इष्टि है। आपकी गर्दन ही उपसद अर्थात तीन इष्टियां हैं। आपके दोनों दाढ़े प्रायणीय अर्थात दीक्षा के बाद की इष्टि है और उदयनीय यज्ञ की समाप्ति की इष्टि है। जीवा की प्रवर्ग्य प्रत्येक उपसद के पहले किए जाने वाला महावीर नामक कर्म है।
आपका सिर सभ्य अर्थात होम रहित अग्नि और अवसत्य है, आपके प्राण ही चिति माने इष्टि का चयन है। सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः संस्ताविवेदास्तव देवधातव सत्राणि सर्वाणि शरीर संधिस्त्वं सर्वजज्ञ क्रतुरीष्टि वंदनः। हे भगवान, आपका वीर्य ही सोम है, आपका बैठना ही प्रातः सवन इत्यादि तीनों सवन है, आपकी सातों धातुओं ही अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम उक्त षोडशी वाजपेय अतिरात्र और आत्तोर्याम ये सात संस्थाएं हैं, आपके शरीर की संधियां ही संपूर्ण सत्र हैं, इस तरह आप संपूर्ण यज्ञ स्वरूप हैं, आपके शरीर अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां ही इष्टियां हैं। नामो नमस्ते खिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्व कृतवे क्रियात्मनि वैराग्य भक्त्यात्म जया अनुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। संपूर्ण मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म आपके स्वरूप हैं, ऐसे आपको बारंबार नमस्कार है। वैराग्य भक्ति तथा मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वह ज्ञान आपका स्वरूप है, आप सबों के विद्यागुरु हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। पूर्वोक्त अर्थ का ही परिकर के साथ वर्णन करते हुए ऋषिगण श्री भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री भगवान संपूर्ण मंत्रादि रूप हैं तथा वे ही संपूर्ण व्यापार स्वरूप हैं, साथ ही वैराग्य पूर्वक किए जाने वाले कर्मों के द्वारा अंतकरण की शुद्धि होती है, उसके कारण भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति के द्वारा उपासक का चित्त स्थिर हो जाता है, उसके द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वह ज्ञान स्वरूप है श्री भगवान, ऐसे आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार के ज्ञान को प्रदान करने वाले सबों के विद्यागुरु आप ही हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। दंष्ट्रग्रकोट्या भगवं स्वया धृता विराजते भूधर भू सभूधराम यथा वनानि सरतो दता धृताम मत्तंगजेन्द्रस्य सपत्रपत्विनी। हे पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपके द्वारा अपने दांत के अग्रभाग में धारण की गई पर्वतों से युक्त पृथ्वी उसी तरह सुशोभित हो रही है जैसे जल से बाहर निकलने वाला कोई मदमत्त गजेंद्र अपने दांतों पर पत्तों से युक्त किसी कमलनी को धारण कर रखा हो। त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमंडले नाथ दता धृतेन तिं चकास्ति श्रृंगो नगनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य जथैव विभ्रमः। आपके दांतों के ऊपर रखे हुए भूमंडल के साथ आपका यह वेदमय सूकर रूप इस तरह से सुशोभित हो रहा है जिस तरह शिखरों पर बहुत अधिक मेघ समूह से कुलाचल पर्वत की शोभा होती है। संस्थापयेनाम जगतां सतस्तुसाम लोकाय पत्नी मसि मातरं पिताम विधेम चास्मै नमसा सहत्वयाम यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधाम। हे नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी तथा जगत की माता पृथ्वी को आप जल जल पर स्थापित करें, आप जगत के पिता हैं, अरणि में विद्यमान अग्नि के समान इसमें आपने धारण शक्ति रूपी तेज का आधान कर दिया है, हम लोग आपके साथ इस पृथ्वी माता को नमस्कार करते हैं। कह सदधीतान्यतमस्तव प्रभु रसांगताया भुव उद्विहरहणम न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो मायेदम ससृदे एति विस्मयम्। प्रभु, रसातल में गई हुई इस पृथ्वी का आपसे भिन्न कोई दूसरा उद्धार करना कौन चाहेगा, आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के एकमात्र आश्रय हैं।
अतएव आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने तो अपनी माया के द्वारा अत्यंत आश्चर्यमय इस विश्व की रचना की है। इस श्लोक में ऋषियों ने कहा कि आपने यह अत्यंत कठिन कार्य किया है। हे प्रभु, आपने जो पृथ्वी का उद्धार किया है उसे आपसे भिन्न दूसरा कौन करने में साहस कर सकता है, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्य के एकमात्र आश्रय हैं। अतएव आपके लिए यह कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आपने अपनी माया के द्वारा अत्यंत आश्चर्यमय विश्व का भी रचना की। विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर जनस्तपः सत्त निवासिनो वयम् सत्ता सिकोद्धूत शिवम्बु बिन्दुर् विभीमृज्यमाना वृषमीश पाविताम्। हे प्रभु, जब आप अपने वेदमय शरीर को फड़फड़ाते हैं तो आपके गर्दन के बालों से निकली हुई पवित्र जल की बूंदों से जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक निवासी हम लोग भींग कर अत्यंत पवित्र हो जाते हैं। सबैव तप्रस्तमतिस्तवैस तेजः कर्मणां पारमपार कर्मणं जज्जोग माया गुण योग मोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहि सं। आपके कर्मों का कोई पार है ही नहीं, ऐसे आप कर्मों का जो पार जानना चाहता है वो अवश्य भ्रष्ट बुद्धि वाला पुरुष है। आपकी माने भगवान करो अंत को जानने जो चेष्टा करी हो जी, माने तापर आउ भ्रष्ट बुद्धि की होती की कहूँ आउ असे जोटा कि असीम ताको जान दे बोली इच्छा कर ना। आपकी योग माया के सत्वादि गुणों से संपूर्ण विश्व मोहित है, अतएव आप इस विश्व का कल्याण करे। ऋषिगण प्रार्थना करते हैं कि आपके कर्मों का कोई अंत नहीं है, फिर भी जो व्यक्ति आपके कर्मों का अंत जानना चाहता है वह निश्चित रूप से भ्रष्ट बुद्धि वाला पुरुष है। यह सारा विश्व यह सारा विश्व आपकी योग माया के सत्वादि गुणों से मोहित है, अतएव आप इस विश्व का कल्याण करें। अर्थात आप ऐसी कृपा करें कि हम लोग अचिंत्य शक्ति संपन्न आपको जानकर आपका भजन करें। मैत्रेय उवाच इत्युपस्थीयमानस्तैर् मुनिभिर् ब्रह्मवादी सलिले स्वकुराक्रांत उपाधत्तावितावनी। हे विदुर, उन ब्रह्मवादी मुनियों द्वारा इस प्रकार से स्तुति किए जाते हुए संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले श्री भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित करके उसके ऊपर पृथ्वी को रख दिया। स इत्थम भगवान उर्वीर विश्वक्षेन प्रजापति रसाया लीलयो नीताम शून्यस्य जजौ हरि। इस प्रकार से लीला पूर्वक रसातल से लाई गई पृथ्वी को प्रजाओं के स्वामी भगवान श्री हरि जल प्रस्तापित करके अंतर्धान हो गए। एवमेतां हरिमेधसो हरे कथां सुभद्रां कथनीयमायिनं शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वो सतिं जनार्दनो स्यासु हृदि प्रसीदति। जो भगवत भक्त इस प्रकार से मायापति श्री हरि की कहने योग्य कमनीय मंगलमयी कथा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा सुनाता है उसके हृदय में भगवान जनार्दन शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। कौन करू
ସେ କେତେବେଳେ କଣ କରିଦେବେ ଯେ ଆମେ କଣ ତାର କରିପାରିବା ଏଇଟା ଭଲ ବ୍ରହ୍ମା ସୂତ୍ର ଅଛି ଓ ବେଦ ଘୁମନ ଭଗବନ ପରାତ୍ମନ ଆଚ୍ଛା ଯୋଗ ସ୍ୱରତି ଭୁବନ କରିବ କ୍ୟା ଓବା ପ୍ରଥମ ବା ସତୀ ବା କଦେତି ବିସ୍ତାରେନ କ୍ରୀଡ଼ସି ଯୋଗମାୟା ଯୋଗମାୟା ବିସ୍ତାରେନ କ୍ରୀଡ଼ସି ଯୋଗମାୟା ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କିଭଳି କିଭଳି କ୍ରିୟାତ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେ କ୍ରୀଡ଼ା ବା ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି କୋ ବା ପ୍ରଥମ ବା କତି ବା କୋ ବା କୋ ବା ମାନେ କହ କିଏ ପ୍ରଥମ ବା କିପରି କୋ ବା କଥ ବା କତି ବା କଥିବା କେତେବେଳେ କରନ୍ତି ମାନେ ଭୁବନ ତ୍ରିଲୋକ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ କୋ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି କି ସେ ବିଜ୍ଞ ଅଛି ବୁଝିବାକୁ କୋ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁବନ ଭଗବାନ ପରାପନ କିସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସେ ଆମର ଯେ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ଭଗବାନ କଣ ସେ ପାଳ କଥା ପାଳ କଥା ଭଗବାନ ହେଉଛି ପାଳ କଥା ପାଳ କଥା କହିବାର କାରଣ କଣ ପାଳ କଥା ଯୁଆଡ ଯୁ କରୁ ଓଲାରିଲେ କଣ ସେ ପାଳ ବାହାରିବା କଣ ପାଳ କଥା ଯୋଉ କରିବୁ ତମେ ଭିଡ ଯୁଆଡୁ ଭିଡ଼ ତ ପାଳ ବାହାରିବା କଣ ତସ୍ମିନ୍ ପ୍ରସନ୍ନେ ସକଳାଶିଷାଂ ପ୍ରଭୋ କିଂ ଦୁର୍ଲଭଂ ତା ବିରଳଂ ଲବାତ୍ମଭିଂ ଅନନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ଭଜତାଂ ଗୁହାଶୟଃ ସ୍ୱୟଂ ବିଧତ୍ତେ ସ୍ୱଗତିଂ ପରଃପରାମ୍ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ସଭି କାମନାଓଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନେ ମେ ସମର୍ଥ ହେଁ ଉନକେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋ ଜାନେ ପର କୁଛ ବି ଦୁର୍ଲଭ ନହିଁ ରହ ଜାତା ହେଁ तुच्छ कामनाओं को करने से कोई भी लाभ नहीं है। जो पुरुष श्री भगवान का अनन्या भक्ति से भजन करते हैं उनको तो अंतर्जामी भगवान अपने आप अपना परम पद प्रदान कर देते हैं। यद्यपि श्री भगवान ने मनोरथ की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे तो कामनाएं तुच्छ है। यदि कहें कि तब तो भगवान की भक्ति व्यर्थ है तो ऐसी बात नहीं है। श्री भगवान के भजन से भिन्न किसी दूसरे फल की प्राप्ति की कामना से रहित भक्तों को श्री भगवान अपने आप अपना पद प्रदान कर देते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में निवास करते हैं और अपने भक्तों की अहित की भक्ति को जानते हैं। को नाम लोको को नाम लोके पुरुषार्थ सार बितपुरा कथा नाम भगवत कथा सुधाम आपीय कर्णांजलि भीर भवापहा मोहो विरजित बिना नरेतरम। पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ के सार को जानने वाला संसार का कौन ऐसा मनुष्य होगा जो संसार के बंधन से मुक्त कर देने वाली श्री भगवान की प्राचीन कथा सुधा को अपने कानों से सुनकर पुनः उससे विरक्त हो जाए। अतएव इस संसार में कौन ऐसा पुरुष होगा जो पुरुषार्थ के सार को जानता हो और श्री भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी कथा को एक बार भी किसी प्रकार से सुनकर पुनः उन सबों से विरक्त हो जाए। ऐसा तो कोई पशु ही हो सकता है, मनुष्य नहीं है। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद की भावार्थ दीपिका नामक टीका के 13वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। Thank you.
सत्संग की जय, स्मरण की जय, गुरु महाराज की जय, राम वृंदावन सेवा कुंड की जय, जय जय श्री राधे। निदाई गौर